हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ नीट एग्जाम के बायोलॉजी सेक्शन के पास्ट 7 इयर्स चैप्टर वाइज पेपर एनालिसिस। 2013 से लेकर 2019 तक आपके बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं, उनके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये पार्ट वन है इस वीडियो का। पार्ट टू भी आएगा जिसमें मैं लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंक्लूड करूंगी। इस वीडियो में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बताने वाली हूँ। अब जो इस वीडियो की नेक्स्ट क्लिप आने वाली है कुछ सेकंड्स में, इसमें मैं आप सभी को एक पिक्चर दिखाऊंगी कि 2013 से लेकर 2019 तक आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 7 सालों में। आप उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जब आप बायोलॉजी पढ़ने बैठेंगे तो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। मैं हमेशा एग्जाम प्रिपरेशन में बच्चों को यही सलाह देती हूँ कि आप दो चीजों पर ध्यान दें। पहला, इजी चैप्टर जरूर कर ले, चाहे वो चैप्टर ज्यादा वेटेज का है चाहे नहीं है, लेकिन अगर आपको वो इजी लगता है तो आपको वो करना ही करना है। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर जरूर ध्यान दें। ऐसे चैप्टर्स जिनसे नीट के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको तो जरूर करके ही जाना है। तो इजी चैप्टर्स तो हर बच्चे के लिए अलग होंगे। सपोज मेरे लिए डाइजेशन चैप्टर इजी लगता है तो हो सकता है कि दूसरे बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम इजी नहीं लगता होगा। अगर मुझे मॉर्फोलॉजी ऑफ लैरिंगज इजी लगता है, जरूरी नहीं है कि आप सभी को भी इजी लगता होगा। तो इजी चैप्टर्स की लिस्ट तो आप सभी लोग खुद बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और हर चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिन्हें कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए, पहले सबसे पहले कि पिछले 7 सालों में आपके हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो लिविंग वर्ल्ड आपका चैप्टर है, इसमें 2013 से लेकर 2019 तक अभी टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की बात करें तो पिछले 7 सालों में इसमें 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर की बात करें तो पिछले 7 सालों में 25 क्वेश्चंस यहां से आए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें तो पिछले 7 सालों में 46 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो 45 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। तो इस पिक्चर से आपको क्लियर आइडिया लग सकता है कि हर चैप्टर से पिछले 7 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए, इस एनालिसिस के बेसिस पर एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई है कि ये 5 चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन में आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। और बाकी जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं उन्हें तो आप करिए, लेकिन इन 5 चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो जो कि पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ इन 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम इंक्लूड करने वाली हूँ जो कि आपको पढ़ने ही है। जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा उसमें मैं बाकी चैप्टर्स को कवर करूंगी, ठीक है। आपके टोटल बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं, मैंने 5 चैप्टर्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन मैं हर चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी ताकि हर चैप्टर से आप लोग इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। स्टार्टिंग विद योर चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर हम 2013 से 2019 तक के पेपर एनालिसिस की बात करें तो पिछले 7 सालों में 46 क्वेश्चंस टोटल आपके पूछे गए हैं सिर्फ इस चैप्टर से। अब आप इस चीज पर ध्यान मत दीजिएगा, ये नंबर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस इस नंबर के थ्रू मैं आपको आइडिया दिला रही हूँ कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पर्पस से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले बनता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टॉप में लिखा हुआ है, जो कम इंपॉर्टेंट है उन्हें नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये परसेंटेज मैंने मेंशन करी हुई है वो है कि पिछले 7 सालों में इस चैप्टर से जब क्वेश्चन आए थे तो कितने परसेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से पूछे गए थे। पिछले 7 सालों में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक वेरिएशन से जेनेटिक डिसऑर्डर सब टॉपिक से 35% क्वेश्चन बनकर आए थे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अगर 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे तो उन 5 क्वेश्चन में से 35% क्वेश्चन आपके सिर्फ इस टॉपिक से ही थे। तो इस परसेंटेज को शो कराने का ये मतलब है, ठीक है। तो यानी कि आप परसेंटेज पर वैसे ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रही हूं कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जो भी चैप्टर ऊपर लिखे हुए हैं मैंने वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो नीचे लिखे हुए हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें आ गया आपका सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जितने भी डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, क्या उस डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक डिसऑर्डर से 35% क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म। इसमें आ जाएगा आपका कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और पिछले जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस टॉपिक के जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर से 19% क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में बनकर आए हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से 15% क्वेश्चंस बनकर आए हैं। एंड सेक्स डिटरमिनेशन, ये लास्ट में आपका लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे टॉप में लिखा हुआ है, जो कम इंपॉर्टेंट है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले 7 सालों में 45 क्वेश्चंस इस अकेले चैप्टर से पूछे गए हैं। ट्रांसलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। उसके बाद रेप्लिकेशन, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए कैसे प्रूव हुआ था, मैथ्यू मिशेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाइल वाले एक्सपेरिमेंट, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। 9% क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में यहां से पूछे गए हैं। आरएनए वर्ल्ड, जेनेटिक कोड एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, जो टॉप में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लानिंग प्लांट्स। पिछले 7 सालों में 42 क्वेश्चंस इस चैप्टर से अकेले पूछे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। 72% क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है डबल फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, और लास्ट में आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर बायोलॉजी सेक्शन। 37 क्वेश्चंस यहां से पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्या फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल, अकेले इस टॉपिक से पिछले 7 सालों में 22% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेल थ्योरी, प्लांट एंड एनिमल सेल, क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या इनका फीचर होता है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इनका फंक्शन होता है, आपको आना चाहिए। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 36 क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में यहां से पूछे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है फ्लावर, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। 39% क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रूट, उसके बाद फैमिलीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं सबसे पहले उसका नाम ले रही हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावर, उसके बाद रूट, फिर फैमिलीज, फिर स्टेम, फिर सीड एंड फ्रूट, और लास्ट में आता है आपका लीव्स। तो ये हैं आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। तो नीट 2021 की प्रेपरेशन करते हुए इन 5 चैप्टर्स के इन टॉप वाले 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर तो जरूर ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं बाकी चैप्टर्स को भी इंक्लूड करूंगी, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस आपको बताऊंगी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने परसेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।